Hello and very good morning to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Parasthi, Assistant Professor and Head of the Department of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. And after a very long time, once again today, I am going to talk about one of the most important lesson, most important chapter, that is Eidgah, which is written by the greatest Hindi a literature novelist, that is Prem Chand. And this story, Eidgah, has been translated into English version by Khushwant Singh. जैसे कि विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर यूनिट वाइज चैप्टर वाइज पूरे से अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो अपलोड कीजिए, तो विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वंस अगेन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट लेसन. जैसे कि यह चैप्टर है आपके बी ए बी एस सी बी कॉम के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में. यह है यूनिट फर्स्ट की थर्ड लेसन का है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे यह वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ. तो डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर दैट आफ्टर कंप्लीशन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यूज आल्सो फ्रॉम दिस लेसन, एज वेल एज यू विल बी एबल टू गेट द गुड मार्क्स as well as you will give the correct answer from each and every kinds of questions from this particular lesson. So let me start my presentation. सो डियर स्टूडेंट, इस जो वीडियो है इसके माध्यम से हम ये जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे. ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अथर, जैसे कि अथर कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे. इसके जस्ट आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले एंड हु आर द मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी, एज वेल एज व्हाट इज द मेन थीम एंड समरी ऑफ द प्ले, एज वेल एज इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द असेसमेंट एंड एवेल्युएशन प्रोसेस कि कितने मार्क्स का ये है, जो फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इस पर्टिकुलर लेसन से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये भी हम चर्चा करेंगे. और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है. तो आइए देखते हैं इसमें. तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आप लोगों से कि, और आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस मॉड्यूल, you will be able to understand about who is Premchand and his famous play Eidgah, okay, as well as you will be also able to understand about the theme of the play Eidgah, and you will able to how to give the correct and suitable answers of the questions from this lesson and increase your result as well. So dear students, first we will talk about who is Premchand. Okay, so Munshi Premchand was born in the year 1880s and he was died in the year 1936. Okay, and he was the well-known Indian writer famous for his modern Hindustani literature. जैसे कि शब्द से पता चल रहा है हिंदुस्तानी लिटरेचर, तो वह जो महारत हासिल किया था अपनी जो नोवेल के क्षेत्र में, जो हिंदुस्तानी लिटरेचर हिंदी और उर्दू के क्षेत्र में, वो ऐसे मतलब महान नोवेलिस्ट हैं इंडिया के जिन्होंने यह एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी लिखा है ईदगाह, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं. ये जैसे कि हम जानते हैं कि हिज ओरिजिनल नेम इज धनपत राय श्रीवास्तव, बट हिज ही वॉज बेटर नॉन बाय हिज पेन नेम प्रेमचंद. प्रेमचंद के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, एंड यू नो दैट ही वाज अ पायनियर ऑफ हिंदी एंड उर्दू सोशल फिक्शन, सोशल नोवेल. ओके, इफ यू टॉक अबाउट हिज इंपॉर्टेंट नोटेबल वर्क, यदि हम उसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करें, यदि लेख के बारे में बात करें, तो प्रेमचंद ने गोदान लिखा है, कर्मभूमि लिखा है, गबन लिखा है, मानसरोवर लिखा है, और जिसको हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं ईदगाह लिखा है, बाजार ए हुस्न लिखा है, शतरंज के खिलाड़ी, ऐसे कई महत्वपूर्ण उन्होंने साहित्य में अपने परचम लहराए इन लेख के माध्यम से. तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ईदगाह के बारे में, क्योंकि बहुत ही हाई डिमांड था अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से कि सर डालिए डालिए, तो आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इसको. ईदगाह जो है एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे बालक के बारे में स्टोरी है जिसका नाम हामिद है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ईदगाह का पब्लिकेशन कब हुआ, क्योंकि आपकी हर यूनिट से, जो हर पर्टिकुलर लेसन से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है. जैसे कि फाउंडेशन कोर्स 35 मार्क्स का रहता है आप लोगों के लिए, जिसमें 5 मार्क्स फॉर योर इंटरनल असेसमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड CCE, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन एवेल्युएशन, जो आपकी एग्जाम हो, हम कॉलेज में भी
रिसेंटली कंप्लीटेड करा चुके हैं। 5 नंबर का सीसीए होता है और जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का होता है, वो थ्योरी पार्ट होता है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के माध्यम से होती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो ईदगाह वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1933 इज वन ऑफ हिज बेस्ट नॉन वर्क्स एंड दिस स्टोरी हैज बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई खुशवंत सिंह। डायरेक्ट यह क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है इसके पहले भी कि ईदगाह हु हैज ट्रांसलेटेड ईदगाह इनटू इंग्लिश। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इंग्लिश वर्जन में ईदगाह को किसने ट्रांसलेशन किया, तो खुशवंत सिंह ने, हमेशा याद रखिएगा। और इसको ओरिजिनली इसको लिखा कौन है, प्रेमचंद। तो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द राइटर ऑफ द ईदगाह, योर आंसर विल बी प्रेमचंद। बट द क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कि हु हैज ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन ऑफ ईदगाह, तो योर आंसर विल बी खुशवंत सिंह। सो ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, प्रेमचंद हैज पोर्ट्रेट द इमोशन ऑफ ए यंग बॉय हुज नेम इज हामिद। ओके, इज अ वेरी 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 सुपीरियरली इन दिस स्टोरी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टोरी के पहले जानना चाहेंगे कि इसमें मेजर कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस स्टोरी के जो मेन हीरो है, मेन प्रोटैगोनिस्ट है, वो है हामिद, जिसके बारे में यह स्टोरी है। हामिद एक ऑर्फन बॉय है। ओके, इनके मम्मी पापा नहीं है, यह अभी फिलहाल अभी किसके साथ रहता है, अपने दादी माँ अमीना के साथ में रहता है। और ये दोनों बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ईद का जब समय आता है तो इनके पास खाने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है। इवन ईद फेस्टिवल जैसे बच्चों की सबसे इम्पॉर्टेंट और ईद का जो फेस्टिवल होता है, उसमें सभी नए कपड़े खरीदते हैं, नए खिलौने खरीदते हैं, तरह तरह की सारी चीज़ें होती हैं मेला वगैरह में, यू नो वेरी वेल दैट। बट इवन आफ्टर दैट इनके पास ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ को प्रेमचंद बहुत ही एक लाइवलीहुड तरीके से यहाँ वर्णन किया है। और इसको आप लोग ऑलरेडी अपने स्कूल उसमें आपने इसको पढ़ ही लिए होंगे, जिसको आपको कॉलेज में दोबारा इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो आई होप दैट कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो मैं जल्दी इसको स्किप करना चाहूंगा। अदर चिल्ड्रेन एंड फ्रेंड्स ऑफ हामिद, यदि हम इस प्ले के बारे में बात करें तो अन्य जो इनके फ्रेंड्स हैं हामिद के, वो हैं महमूद, मोहसिन, नूरी और शमी। ओके, तो डायरेक्ट हम समरी के बारे में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू हैव द क्लियर कंसेप्ट अबाउट द समरी, क्लियर कंसेप्ट अबाउट द थीम ऑफ एनी पर्टिकुलर लेसन, डेफिनेटली यू कैन गिव द सुटेबल एंड करेक्ट आंसर्स ऑफ ईच एंड एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो आपको पकड़ बनानी है उसके समरी में कि इसमें समरी क्या है, ठीक है, इसका थीम क्या है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, मैं इसलिए हिंदी और इंग्लिश में बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो आपका मंथ है वो उसमें आपकी एग्जाम होने वाली है। तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिया हूँ। तो ईदगाह जो है, ईदगाह इज अ स्टोरी ऑफ ए 4-year-old बॉय हुज नेम इज हामिद। ईदगाह किसके बारे में है, एक 4 वर्ष का एक लड़का रहता है, उसका नाम है हामिद, हु लिव्स विथ हिज ग्रैंड मदर अमीना, जो कि अपने दादी माँ अमीना के साथ रहता है। प्रेमचंद ने इस स्टोरी में बहुत ही लाइवलीहुड तरीके से उनके भावनाओं के, एक बाल की जो मनोभावनाएं होती हैं, उनकी जो समझदारी होती है, उस चीज़ को इस स्टोरी में उन्हें बहुत ही एक सजीवता के साथ वर्णन किया है। ओके, इवन दो हामिद हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स, हामिद के मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, और हमेशा अमीना ये कहा करती है कि बेटा वो मम्मी पापा अभी आप अभी है नहीं, वो लौट के आएंगे, आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, ये करके मतलब उस बच्चे के मन में वो करती हैं। तो हमें हामिद क्योंकि छोटा है, उसको समझ में नहीं आता है, उनको ये लगता है कि डेफिनेटली माय पेरेंट्स विल रिटर्न वन डे, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी देयर पेरेंट्स हैव डाइड। ओके, तो उनकी जो कंडीशन है वेरी पुअर है, बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं वो, और हामिद जो है बहुत ही वेरी पॉजिटिव नेचर के है, मतलब इसके बावजूद भी वो बहुत ही सकारात्मक सोच रखने वाला लड़का है और हैप्पी रहता है, खुश रहता है अपने दादी माँ के साथ। ओके, तो इस स्टोरी में वर्णन किया गया है ईद का, रमजान के बाद ईद का जो त्योहार आता है, सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। ओके, और जो ईद के फेस्टिवल में मेला में जाने की सभी लोग तैयारी बनाते हैं, लेकिन जो अमीना है उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, बहुत ही वो अंदर ही अंदर से रोती हैं कि काश मेरे पास पैसे होते, या कि काश हामिद के मम्मी पापा भी होते तो उनको, मतलब हामिद को भी पैसा देते और जाकर के वो खिलौने वगैरह, स्वीट्स वगैरह, टॉय वगैरह वहां से मेले से खरीदते। बट यहाँ समस्या ये है कि बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं वो, उनके मम्मी पापा भी नहीं हैं, तो उनके पास कैसे से वो मैनेज करके अमीना जो है 3 पैसे
पैसे मैनेज कर पाए, जिसको हामिद को दे देती हैं और उनको बोलती हैं कि बेटा फेयर मेले में जाओ, ईद ईदगाह में जाओ और वहां जा करके अपने लिए कुछ खिलौने लेके आ जाना, है ना। तो ये सारी चीज़ स्टोरी में बताया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। हामिद जो है डिसमिस्ड द वेस्ट ऑफ मनी ऑन मोमेंट्री प्लीजर एंड एंजॉयमेंट। जैसे ही सभी लोग मेला में पहुंचते हैं, मोहम्मद की बात हो, मोहसिन की बात हो, नूरी की बात हो, समी की बात हो, सभी जो है टूट पड़ते हैं खिलौने में, क्योंकि बच्चे का जो वो एक मनोवैज्ञानिक वो सारी चीजें होती हैं, एक मनोभावना होती है। जैसे हम भी मेला जाते थे तो कुछ भी मतलब उठा के लेते थे, कहीं कहीं खिलौने का, कोई पुलिस वाला, कोई गन, कोई क्या, ये सारी चीज ऐसे होता है, नेचुरली होता है। तो सभी बच्चे ऐसे खरीद रहे हैं। हामिद सोच रहा है कि भाई मेरे पास तो आई हैव ओनली 3 पैसे, अब इस 3 पैसे से मैं क्या करूंगा। यदि कोई सामान खरीदता हूँ तो मैं मीठा नहीं खा पाऊंगा, यदि मैं मीठा खाता हूँ तो मैं अपने लिए खिलौने नहीं खरीद पाऊंगा। पूरे सोच ही सोच में वो पूरा दिन वहां जो है वैसे मतलब एक तरह से गुजरता जाता है दिन। लास्ट में वो सोचता है कि नहीं, मैं इन चीजों में जो मोमेंट्री प्लीजर की क्षणिक जो खुशी देने वाली खिलौने हैं, जो मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, इनमें मैं अपना पैसा वेस्ट नहीं करूंगा। वाइल ही बॉय, और इसलिए वह आफ्टर अ लॉन्ग थिंकिंग, बहुत ही सोच विचार करने के बाद, डीप थिंकिंग के बाद, ही बॉयज अ पेयर ऑफ टंग्स। हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या खरीदा, तो तो ये आप याद रखिएगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, क्यों ना मैं मतलब चिमटा खरीद लूं, चिमटा, फॉर हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी माँ के लिए, हु यूज टू बर्न हर फिंगर्स व्हाइल कुकिंग चपाती फॉर हिम। क्योंकि उसको याद था कि जब मेरी दादी माँ चपाती बनाती है, मेरे लिए रोटी बनाती है, खाना बनाती है, तो खाना बनाते वक्त जो पैन होता है, ऑयरन प्लेट जो होता है, उसमें उनके हाथ जल जाते हैं, तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि मैं चिमटा खरीद लूं और दादी माँ को दूं, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से बनाएंगे और उनके हाथ उंगलियां जो हैं जलेंगी नहीं रोटी बनाते समय। तो ये उनकी समझदारी देखो, इतना छोटा सा बच्चा और इतनी समझदारी। तो दिस शोज द स्पिरिट ऑफ ईद व्हिच सेज दैट वी शुड बी कंसर्नेड फॉर अदर्स। तो यही जो ईद का मुख्य जो मेन मोटो है, स्पिरिट है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि हमें जो है दूसरों के बारे में चिंता करना चाहिए। वी शुड बी सेल्फलेस, हमें स्वार्थी बनकर के नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरे की यदि कोई समस्या में है तो उनकी समस्या को या समाधान ढूंढने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ हामिद ने किया। एंड वी शुड हैव अ बिग हार्ट, हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से इस स्टोरी में यही बताया गया है कि कभी जो बच्चे हैं, जो उनके जो फ्रेंड्स हैं, मोहसिन की बात करें, महमूद की बात करें, सभी जो हैं, कोई गन खरीदा है, कोई पुलिसमैन वाला खरीदा, कोई वाटर वूमेन खरीदा है, ये तरह तरह की जो मिट्टी के बने हुए खरीदे थे, और स्वीट्स खा रहे हैं, ये सारी चीज़ कैंडीज खा रहे हैं, लेकिन बेचारा हामिद जो है कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। इतने भूख लगने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो और उनके जो जब वहां से लौटते हैं तो किसी का रास्ते में एक जो खिलौना है वो टूट जाता है, कोई जो है घर पहुंचते हैं तो चलाते हैं तो चलता नहीं है, ऐसे जो खिलौने खिलौने होते हैं, लेकिन चिमटा जो है वह तो कभी टूटने वाला नहीं है, ठीक है, वह एक लोहे से बना हुआ मजबूत वो है खिलौना है उसके लिए, तो उसको समझता है कि यह मेरे लिए एक बंदूक के समान काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं मेरे लिए एक बहुत अच्छा मजबूत खिलौने के, उसमें भाई तुम लोगों के खिलौने तो टूट गए, मेरे टूटे नहीं, तो ये सारी चीज उसकी समझदारी से हुआ। तो इस तरह से मतलब ये स्पिरिट दिखाता है ईद की, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। एट लास्ट द टाइटल ऑफ ईदगाह इज ऑल्सो जस्टिफाइड। इस तरह से ईदगाह के जो प्रेमचंद के द्वारा दिया गया ये टाइटल है, शीर्षक है इस स्टोरी का, वो भी जस्टिफाइड होता है। तो आइए हम आगे चर्चा करते हैं। हामिद जिसको इसको मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ आपसे, तो हम चर्चा करते हैं यदि कंपैरिजन की बात करें अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ, यदि हम हामिद की बात करें तो हामिद वाज एन ऑर्फन बॉय, अनाथ लड़का है वो, क्योंकि उनके मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, जैसे कि अन्य जो उनके साथी हैं उनके ऑलरेडी पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स के साथ हो जाते हैं, लेकिन बेचारा उनके साथ वो अकेले गया है। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर अमीना के साथ रह रही है। दे वी आर वेरी पुअर एज कंपेयर टू अदर्स, अन्य बच्चों के यदि तुलना करें तो वह बहुत ही पुअर होता है। इवन ऑन ईद, ईद के दिन में भी उनके पास, दे डिड नॉट हैव इवन अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन, मुट्ठी भर खाने के लिए दाने भी नहीं होते हैं उनके लिए, लेकिन कैसो से वो क्या करते हैं मैनेज करते हैं। ही डिड नॉट इवन हैव अ पेयर ऑफ शूज टू वॉक फॉर 3 मील्स फॉर ईदगाह, क्योंकि उनके घर से गांव से ईदगाह की दूरी 3 मील्स है, तो वहां चलने के लिए वो एक तो है मतलब उनके पास जूते भी नहीं है, उनके पास स्लीपर भी नहीं है, वो ऐसे ही नंगे पांव जा रहे होते हैं।
द अदर बॉयज एंजॉयड राइड्स, वहां जाते हैं तो भाई मेले में जाते हैं तो झूले लगे होते हैं, ओके, तो उसमें आनंद लेते हैं वो, लेकिन वो इनके पास पैसे बेचारा नहीं है तो वो झूले में भी नहीं झूलता है। ईटिंग एंड बॉइंग टॉयज, और अन्य जो लड़के हैं वो खिलौने खरीदते हैं, क्ले के बने हुए, मिट्टी के बने हुए खिलौने खरीदते हैं, मीठा खाते हैं। बट बिकॉज दे हैड मनी, उनके पास पैसा था, बट हामिद हैड ओनली 3 पैसे, लेकिन हामिद के पास ओनली 3 पैसे होने के कारण ये जो है कुछ नहीं खा पाता है। और लास्ट में अल्टीमेटली ही थॉट दैट व्हाई नॉट आई हैव टू बाई अ पेयर ऑफ टंग्स टू माई ग्रैंड मदर, ये उन्होंने सोचता है, और उनकी इतनी समझदारी देखेगा। ओके, तो हम इस लेसन से, इस स्टोरी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? हमें यही मिलती है कि एक देखो, सबसे पहला चीज तो हामिद क्या है, सेटिस्फेक्शन वाला है वो। हामिद डिड नॉट बाई क्ले टॉयज, मिट्टी का बना हुआ क्ले टॉयज नहीं खरीदा। डिड नॉट ईट स्वीट्स और कैंडीज, जबकि वो बहुत ही वाज वेरी हंगर, इवन आफ्टर डेट ही डिड नॉट ईट स्वीट्स एंड कैंडीज। डिड नॉट राइड, कोई झूले में नहीं झूलता है, इवन दो ही वाज हैप्पी, इसके बावजूद भी वह हैप्पी रहता है। तो उसकी एक सेटिस्फेक्शन नेचर के यहाँ दर्शाता है। दूसरा, हमेशा वो खुश रहा करता है बच्चा, भले उसको पता है कि उनके मम्मी पापा नहीं है, बट हामिद एंड अमीना बोथ वे आर लिविंग इन अ वेरी माइजरेबल एक्सट्रीम पॉवर्टी डिस्पाइट दे वे आर वेरी हैप्पी। ओके, और उनके पास एक दयावान की भावना है, बिग हार्ट है। तो हामिद डिड नॉट थिंक अबाउट हिज नीड्स, इंस्टेड ही बॉट अ पेयर ऑफ टंग्स टू हिज ग्रैंड मदर। और हमेशा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस लेसन से हमें यदि नैतिक शिक्षा मिलती है तो क्या मिलती है, हमें जो है कंसर्न फॉर अदर्स, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, उनमें हेल्प करना चाहिए। और उसके अंदर क्या है, बिग हार्ट है, बड़ा दिल है उसका, सेल्फलेसनेस है, स्वार्थीपन नहीं है, निस्वार्थ भाव वाला लड़का है कौन, हामिद। तो इस तरह से यह स्टोरी रही, यह स्टोरी ऑलरेडी ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल्स डेज में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। यहाँ से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो 30 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर होता है उसमें 4 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वो यूनिट फर्स्ट से पूछे जाते हैं। आपकी यूनिट फर्स्ट में 6 लेसन हैं, जिसमें लेसन नंबर 3 आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपके 6 आपके पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से यू हैव टू अटेम्प्टेड ओनली 4, आपको 6 में से 4 करने हैं, सभी एक एक नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा। और 6 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें यू हैव टू अटेम्प्टेड 3 आउट ऑफ 6 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन हर हालत में पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में, और एक तो हर यूनिट से, हर लेसन से एक ना एक क्या पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखा हूं आपके लिए, तो आप आंसर बताइएगा, हु इज द राइटर ऑफ द प्ले ईदगाह, ईदगाह के राइटर कौन है, ईदगाह के राइटर आप ऑलरेडी बता सकते हैं, पहला ऑप्शन टीना मोरिज, दूसरा प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन लियो टॉल्स्टॉय एंड डी निसिम एजकल। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज प्रेमचंद। ओके, हमेशा याद रखिएगा उसके मेन राइटर हैं प्रेमचंद, बट इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेशन किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बार बार पूछा जाएगा, बता रहा हूँ मैं। यदि इंग्लिश वर्जन में पूछा जाएगा कि इंग्लिश वर्जन में किसने ट्रांसलेट किया, तो प्रेमचंद ना लिखे आप लिया को लिखेंगे खुशवंत सिंह, शायद मैं उसको नेक्स्ट कोर्स में रखा होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड ईदगाह इनटू इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश वर्जन में ईदगाह को किसने ट्रांसलेट किया, तो आपका आंसर सी जाएगा इसमें, खुशवंत सिंह। ओके, व्हाट डिड हामिद बाय, हामिद बाय, हामिद ने क्या खरीदा, तो हामिद ने क्या वाशरमैन खरीदा कि वाटरमैन खरीदा कि पुलिसमैन खरीदा कि पेयर ऑफ टंग्स खरीदा, तो वो पेयर ऑफ टंग्स खरीदा, चिमटा खरीदा, इसलिए ताकि उसके दादी माँ जब रोटी बनाएंगे तो उनकी उंगली जो है जलेंगी नहीं। ओके, और यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मेन प्रोटोगोनिस्ट, मुख्य पात्र कौन है, हीरो कौन है, तो डेफिनेटली कौन है, हामिद है, क्योंकि हामिद के बारे में स्टोरी है। ओके, तो ये जो है प्लॉट एंड थीम ऑफ द प्ले, सॉरी इसमें थोड़ा सा प्लीज इग्नोर दिस। ओके, एक्चुअली यहाँ ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में कई बार पूछे जा चुके हैं, जिसको मैंने रखा है यहाँ। देखिए, व्हाट वाज हामिद थिंकिंग व्हाइल बाइंग द टंग्स, जब वो चिमटा खरीद रहा था तो क्या सोच रहा था, तो डेफिनेटली व्हाइल बाइंग द टंग्स, जब वो चिमटा खरीद रहा था तो हामिद वाज थिंकिंग, देखिए आपके जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं वहीं से आंसर रहेगा, हामिद ये है और वाज ये है, तो व्हाट वाज हामिद थिंकिंग, तो क्या लिख देंगे आप, हामिद वाज थिंकिंग, ओके, हामिद वॉज थिंकिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर्स बर्निंग फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट, जिसे हम पैन बोलते हैं, तवा बोलते हैं, व्हाइल कुकिंग चपाती फॉर हिम, ये सोच रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट हैपेंड व्हेन हामिद गेव द टंग्स टू हिज ग्रैंड मदर, जब घर पहुंचता है तो हामिद जो है चिमटा को अपने दादी माँ को देता है, तो दादी माँ का क्या रिएक्शन होती है, ये पूछा गया है। तो व्हेन हामिद गेव द पेयर ऑफ टंग्स टू हिज ग्रैंड मदर, सी स्कोल्डेड हिम फर्स्ट,
जैसे ही आके वो चिमटा को अपने दादी माँ को देने लगता है, तो सबसे पहले वो उनकी दादी माँ जो है स्कोल्डेड उनको डांट फटकारती हैं। बट लाटर बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड ब्लेस्ड हिम, लेकिन तुरंत उनके आंखों से आंसू बह जाते हैं और आशीर्वाद देने लगते हैं। क्यों इसलिए डांट फटकारती है ये भी पूछा जाएगा, ये कि क्यों व्हाई सी स्कोल्डेड टू हिम ये पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे इसलिए क्योंकि दोपहर का टाइम था, खाया कुछ नहीं था, तो वो ये इसलिए सोच के देती हैं कि ये कुछ गिफ्ट खरीद सके, खिलौने खरीद सके, तो कुछ मीठा खा सके, लेकिन वो ऐसे ना करके ये लाया। फिर बाद में सोचता है उनकी काइंडनेस, उनकी सेल्फनेस, उनकी सेटिस्फेक्ट्री नेचर को देख करके वो जो है मतलब रो पड़ती हैं, गले से लगा लेती हैं और आशीर्वाद देती है उसको आगे। ओके सो यह रही आज की स्टोरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट कि ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल होगा, और जो भी यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली आप लोग आंसर इसमें लिख सकते हैं। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल फाइंड मोर स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम योर सिलेबस। और मैं फिर से अब शुरुआत कर दिया हूँ वीडियो डालना आपकी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए फाइनल के फाउंडेशन कोर्स की पूरी स्टडी मटेरियल एज पर योर सिलेबस आई विल प्रोवाइड यू। ओके एज वेल एज आई विल आल्सो प्रोवाइड यू द स्टडी मटेरियल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और मैं इस बार ये प्लानिंग बनाया है कि जो क्योंकि मैं करियर गाइडेंस का प्रभारी भी हूँ कॉलेज में, तो मेरा यही उद्देश्य है कि कैसे किस तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब या कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब या कि स्वयं का रोजगार कैसे स्थापित करें, इनके बारे में अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स एंड